हेलो सर, खुश तो हो ना सब लोग। तो आज हम देखेंगे कलर ओवरले कैसे करते हैं किसी इमेज के ऊपर। ठीक है, तो आपने देखा होगा बहुत सारे वेबसाइट्स में ऐसा यूज़ होता है, तो ये हम देखेंगे हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये इसलिए हम करते हैं ताकि अगर कोई स्क्रीन मतलब कोई इमेज या कोई वीडियो अगर बहुत ब्राइट है और उसके ऊपर आपका टेक्स्ट सही से कॉन्ट्रास्ट नहीं कर रहा है या फिर दिख नहीं रहा, तो उसके लिए हम ये ऐसा ओवरले करते हैं ताकि हमारा जो कलर है वो दिख सके इसके ऊपर। ठीक, मतलब जो टेक्स्ट है वो आसानी से दिख सके। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे तरीके से मैं बताऊंगा, दो तरीके हैं ऐसे करने के, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। और इसमें आपको एक एंड में एक नई ट्रिक सिखाऊंगा जिससे आप इमेज को ब्लैक एंड व्हाइट बना सकते हैं, वो भी पूरा ब्लैक एंड व्हाइट भी बना सकते हैं, ऊपर से हाफ ब्लैक एंड व्हाइट भी बना सकते हैं, मतलब हाफ इधर से ब्लैक एंड व्हाइट और इधर से कलरफुल। ठीक है, तो वो वाला मैं दिखा देता हूँ अभी, और कैसे बनाएंगे वो मैं दोनों एक साथ बताऊंगा। ठीक है, पहले मैं वो वाला दिखा देता हूँ वो कैसे करेंगे। और ये इमेज ओवरले आपको दिख रहा है कि ये हाफ में ओवरले है और पूरे में नहीं है। ठीक है, तो हम पूरा वाला भी देखेंगे, पूरा ओवरले कैसे करते हैं, और हाफ वाला भी देखेंगे। ठीक है, हाफ वाला ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और पूरा वाला तो नॉर्मल से हो जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैं इसकी बात कर रहा था कि हाफ ब्लैक एंड वाइट और हाफ ये मतलब कलरफुल। ठीक है, और इसके ऊपर भी हम अलग से इसके ऊपर भी हम दोबारा से ओवरले कर सकते हैं अपना टेक्स्ट देने के लिए। तो आप जब मैं वो वाला सिखाऊंगा आपको ओवरले करना, तो आप इसके ऊपर भी कर सकते हैं, तो मैंने दोबारा से नहीं किया। ठीक है, तो ऐसा भी कर सकते हैं आप, ये नई चीज़ है, और आप वैसा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम ये सारी चीज़ें कैसे बनाएंगे। तो मैं चलता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड में, मैं साइड बाय साइड कर लेता हूँ उसे। तो मैंने साइड बाय साइड कर लिया और हम आ गए अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। आप देख सकते हैं ये HTML की फाइल है, ये CSS की फाइल है, और CSS में डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो मैंने सेव किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ नहीं है क्योंकि हमने इमेज जो है वो CSS से लगाया था। तो आप देख सकते हैं मेरा HTML में क्या लिखा है, डिव क्लास लिया, डिव लिया मैंने उसको, एक इमेज होल्ड इमेज कंटेनर नाम से क्लास दिया है। ठीक है, और इसके अंदर एक H1 लिखा है मैंने कलर ओवरले, ताकि जो कि ये वाला टेक्स्ट है। तो हम कैसे करें, मतलब इतना हमारा HTML का स्ट्रक्चर है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो मैं चलता हूँ अपने CSS में, और जो कि CSS लिंक है यहाँ पे आपको शायद दिखेगा, तो मैं ऐसे कर देता हूँ। देखिए, अगर यहाँ तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यह सब नॉर्मल चीज़ें हैं, बस ये हमने CSS लिंक कर रखा है, और जब मैं आपको नहीं दिखेगा तो मैं यहाँ पे वो साइड बाय साइड थोड़ा इसको बड़ा कर दूंगा। ठीक है, तो हम चलते अपने CSS में, HTML का कोई काम नहीं है अब। तो सबसे बेसिक चीज़ मैं पहले वो कर लेता हूँ जो डिफ़ॉल्ट होता है हमारा, मार्जिन 0 पैडिंग बॉर्डर बॉक्स। इससे क्या होगा, जो मार्जिन पैडिंग होता है वो यहाँ पे ख़त्म हो गया। ठीक है, तो हमारी बारी में पहले बॉडी ले लेता हूँ, क्योंकि मैं बॉडी को, क्योंकि जो मैंने इमेज लिया है मतलब इमेज होल्डर है वो मैंने नॉर्म डायरेक्ट ले लिया है यहाँ पे, तो हमें इसकी विड्थ इसके बराबर करनी पड़ेगी ताकि इमेज हमारा रिस्पॉन्सिव रहे। ठीक है, तो मैं विड्थ दे देता हूँ यहाँ पे 100%, मिन हाइट कर देता हूँ 100 VH। अब जब भी ऐसे हाइट दे तो हमेशा मिन हाइट दीजिए, डायरेक्ट हाइट मत दीजिए, थोड़ी प्रॉब्लम होती है रिस्पॉन्सिव में अगर बड़ी वेबसाइट है तो। ठीक है, तो आप यहीं से प्रैक्टिस कीजिए। अब मैं लूँगा अपना इमेज कंटेनर, IMG कंटेनर। अब इसमें इमेज कैसे लगाते हैं, लोग डायरेक्ट लिख देते हैं उसके बाद कहते हैं कि इमेज नहीं आ रहा, तो आपको मैं दिखा देता हूँ पहले BAT के या ऐसे लिखेंगे तो देखिए इमेज इतना ही आएगा। ठीक है, जो कि उसमें जितना कंटेंट है उतना ही आएगा। तो क्या करें हम, यहाँ पे हम विड्थ देंगे इसको, विड्थ देंगे 100%, और हाइट मैं दूंगा यहाँ पे 100 VH। ठीक है, देख सकते हैं पूरे स्क्रीन पर आ चुका है, लेकिन इमेज बहुत बड़ा है तो आपको ये पूरे स्क्रीन पे नहीं दिखेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको नीचे कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा नो रिपीट, यानी इमेज अगर कहीं किसी सिचुएशन पे रिपीट हो रहा है तो वो नहीं होगा, वैसे ये बहुत बड़ी इमेज है होगा भी नहीं। और यहाँ पे मैं लिखूँगा सेंटर। ठीक है, और यहाँ पे दोबारा लिखूँगा सेंटर, ये शॉर्ट फॉर्म लिखने का तरीका है इसका जो। और यहाँ पे मैं लिखूँगा कवर। ठीक है, तो देख सकते हैं आप इमेज पूरे स्क्रीन पर आ चुका है। तो ये तीन प्रॉपर्टी मिला के यहाँ पे हम लिखते हैं इसका जो मेन है, ये बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट, ये एक अलग प्रॉपर्टी है। बैकग्राउंड पोजिशन सेंटर सेंटर आप ऐसे कर सकते हैं, और बैकग्राउंड साइज कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो तीन प्रॉपर्टी को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप वैसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सेव करता हूँ, तो ऐसा आ चुका ही है। अब हम क्या करेंगे, पहले इस टेक्स्ट को हम सेंटर में ले आते हैं। ठीक है, मैं लिखता हूँ H1 फॉन्ट फैमिली
कौन से रेड कलर दूंगा मैं, वाइट, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, कैपिटलाइज, फॉन्ट साइज 80 पिक्सल, बीट कलर हो चुका है, वाइट नहीं है। और टेक्स्ट अलाइन में कर दूंगा सेंटर, ठीक है, और लाइन हाइट में कर दूंगा 100 VH, ये सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये शॉर्ट तरीके से मैंने किया है, ऐसा आपको बहुत कम जगह करना होता तो मैंने बस इसको दिखाना है इसलिए मैंने इस तरह की सेंटर कर दिए, ठीक है। तो देखिए जो टेक्स्ट है हमारा वो सही से नहीं दिख रहा, अब आप देख सकते हैं इतना जगह इसने सिलेक्ट की है। तो क्या करेंगे अब हम ओवरले लाएंगे। तो ओवरले लाने का सिंपल तरीका है, जो इमेज कंटेनर है जिसके अंदर हमारा इमेज है, ठीक है, उसको पकड़ेंगे हम, उसको हम पोजीशन देंगे, पोजीशन रिलेटिव। एक तरीका ये है, मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगा, पहले ये जो सिंपल तरीका है वो देख लेते हैं, ठीक है। दूसरा वाला भी सिंपल है लेकिन वो उसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको और भी शॉर्ट फॉर्म लिखना पड़ेगा। तो मैं पहले ये दिखा देता हूँ, जो इमेज कंटेनर उसको मैं पोजीशन एब्सोल्यूट दूंगा, और अब ये हमारा एब्सोल्यूट मतलब रिलेटिव हो चुका है, पोजीशन रिलेटिव। अब हम यूज़ करेंगे सूडो एलिमेंट, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, डॉट इमेज कंटेनर लिखूंगा मैं, यहाँ पे लिखूंगा बिफोर, ठीक है। अब मैं और यहाँ पे सबसे पहले जो रूल है हमारा कंटेंट लिखेंगे हम, ठीक है, और पोजीशन मैं दूंगा यहाँ पे एब्सोल्यूट, ठीक है, और मैं यहाँ पे दूंगा जो हमारा पहले होता था कि टॉप 0 लेफ्ट 0 बॉटम 0 करते थे, उससे अच्छा हम ये करेंगे इंसेक्ट 0, यानी कि वो पूरा का पूरा हर जगह से 0 पे रहेगा, टॉप से भी, लेफ्ट से भी, बॉटम से भी और राइट से भी, ठीक है। तो मैं ऐसे लिखेंगे, और मैं यहाँ पे दूंगा बैकग्राउंड कलर ब्लैक, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा छुप गया है, ठीक है। अब ये ऐसे हम ओवरले देते हैं पूरे स्क्रीन पे, किसी भी पूरे के पूरे इमेज पे। तो अब ये यहाँ से हमारा छुप गया है, लेकिन अब ऐसे नहीं देते पूरा का पूरा डार्क कलर, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे लाइट कलर, यानी RGBA कलर यूज़ करेंगे, और जो ब्लैक का होता है 0.0.0.5, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो हमारा कलर है, जो हमारा टेक्स्ट है वो ऊपर नहीं आया, वो इसी के नीचे रह गया, इसलिए वो दिख नहीं रहा सही से, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होना, ये इसके नीचे है और ये सिलेक्ट भी नहीं हो रहा, अगर ये सिलेक्ट नहीं हो रहा इसका मतलब ये इसके नीचे है, ठीक है, या फिर दिख नहीं रहा होगा तो वे एकदम ही इमेज के नीचे भी चला जा सकता है, ठीक है। तो उसको ऊपर लाने के लिए क्या करेंगे, जी इंडेक्स जो हमारा बिफोर जो हमने बनाया अलग से, इसको मैं दूंगा जी इंडेक्स -1, ठीक है। तब देख सकते हैं टेक्स्ट तो ऊपर आ चुका है लेकिन जो हमारा इमेज का ओवरले था वो गायब हो चुका है। तो जो हमारा इमेज होल्डर था उसको हम देंगे जी इंडेक्स, थोड़ा बड़ा देंगे, 10 दे दिया मैंने। तो देखिए जो ओवरले था हमारा वो काम कर रहा है पूरा का पूरा, और ये हमारा टेक्स्ट भी अब सिलेक्ट हो रहा है, यानी कि ये टेक्स्ट ऊपर आ चुका है। तो ठीक है, इस तरह से हम ओवरले देते हैं, आप किसी भी कलर का ओवरले दे सकते हैं, यहाँ पे आपकी मर्जी है, ठीक है, आप किसी भी कलर का दे सकते हैं। सिर्फ ब्लैक दिया मैंने, यहाँ पे मैं ब्लू देता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं ब्लू पूरा डार्क ब्लू है तो इसलिए दिख नहीं रहा, तो यहाँ पर मैं जाऊँगा और इसको मैं ओपेसिटी यहाँ से कम कर दूंगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ब्लू कलर का ओवरले आ चुका है, ठीक है। इतना सिंपल था ये बनाना, ओवरले पूरा पूरा का पूरा बनाना। अब जो मैंने हाफ ओवरले बनाया था, मतलब आधा इधर से जो मैंने वो बनाया था ना, मतलब क्या कहते हैं उसे, जो ओवरले था लेकिन वो इधर का थोड़ा सा, मतलब इधर का पूरा वाइट था, इधर का पूरा क्लीन था और इधर का ओवरले था, ठीक है। तो वो कैसे बनाते हैं, ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर मैं चलूँगा, आपको बैकग्राउंड इमेज नहीं लिखना, मतलब बैकग्राउंड कलर नहीं लिखना, आपको बैकग्राउंड यहाँ पर लिखना इमेज। तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ अब, ठीक है, इसको बड़ा करने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा बैकग्राउंड, यहाँ पे लिखूंगा लीनियर ग्रेडियंट, आपको पता है लीनियर ग्रेडियंट, यहाँ पे मैं लिखूंगा 2RGST, ऐसे क्या होता है, पहले मैं इसको हटा देता हूँ, आपको दिखाता हूँ पहले। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा BLACK ब्लैक, दो कलर लेता है हमेशा ब्लैक, और यहाँ पे मैं लिखूंगा वाइट, वाइट की स्पेलिंग हो गई गलत, WHITE वाइट, तब देख सकते हैं ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो ये कैसे ऐसा आ रहा है, ये ऊपर ऊपर से नीचे आ रहा है, हमको चाहिए लेफ्ट से राइट की तरफ, ठीक है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखूंगा 2RGST राइट और कॉमा दूंगा, तो आप देख सकते हैं अभी इस तरह से काम कर रहा है, ठीक है। और सिंपल सी बात, अगर ये प्योर डार्क है, मतलब प्योर है पूरा का पूरा ब्लैक और वाइट भी, तो हम क्या करेंगे, ब्लैक को हम ट्रांसपेरेंसी दे देंगे यहाँ पे, मतलब RGBA 0.0.0.5 दे देता हूँ मैं, देख सकते हैं आप इधर से दिख रहा है, लेकिन ये जो वाइट कलर है वो बहुत ही बेकार लग रहा है। तो वाइट की जगह हम यहाँ पे करेंगे, हमें दूसरा जो कलर होगा वो हम ट्रांसपेरेंट देंगे, TRA
NSPARENT, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट का मतलब ये होता है कि इधर कोई कलर नहीं है, कलर की जगह हमने ट्रांसपेरेंट दे दिया और इधर कलर आ गया। आप देख सकते हैं इधर हल्का सा शेडो आ रहा है, इसका मतलब ये काम कर रहा है। अगर मैं इसको बढ़ा दूँ तो आपको समझ में आएगा पूरा का पूरा, ये देखिए, ठीक है। तो आप इसको ऐसा है कि आप इसको बढ़ाना चाहते हैं कि थोड़ा सा और इधर को आए, ये थोड़ा सा कम रहा है, तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे आप कॉमा से पहले, यहाँ पे लिखते होंगे 50%, आपको यहाँ परसेंटेज दे के देखना पड़ेगा। ये देखिए ये इधर को आ चुका है, ठीक है। और भी और ये ओपेसिटी थोड़ी ज़्यादा हो चुकी है तो मैं 25 कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो आप इसको और भी बढ़ा सकते हैं जैसे जैसे, ठीक है। तो इस तरह से हम ओवरले कर सकते हैं हाफ में और पूरे में भी, ठीक है। अब जो मेरा दूसरा तरीका था, मैं शॉर्ट फॉर्म बता रहा था, तो मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी, इसी का मतलब इसको नहीं, इसको करता हूँ मैं कॉपी। आपको सिर्फ इसी ये लाइन कॉपी करनी है, कॉपी करता हूँ मैं, ठीक है। और मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे क्लोज, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, इतना सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं सेव करता हूँ तो देखिए नॉर्मल हो चुका है। अब जो हमारा ये था ना इमेज होल्डर, जिसके अंदर हमारा इमेज, तो मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ इतना। तो आप देख सकते हैं बैकग्राउंड के अंदर मैंने क्या लिखा था, URL। अगर मैं ऐसे जाऊँ तो ये देखिए इसके सामने URL है, तो मैं यहाँ को एंटर करूँगा और इसी के अंदर मैं एक और प्रॉपर्टी लिखूँगा लीनियर ग्रेडियंट, जो हमने यहाँ से कॉपी किया, तो यहाँ पे पेस्ट करूँगा और यहाँ पे मैं लगाऊँगा कॉमा, ठीक है। यानी दो प्रॉपर्टी काम कर रही हैं, एक URL और एक लीनियर ग्रेडियंट। तो मैं सेव करता हूँ तो आप देख सकते हैं वो सेम काम कर रहा है, ठीक है। हमारा ओवरले कहाँ चला गया, तो हमारा जो ओवरले है वो नीचे आ चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे वाइट कलर का है, लेकिन आपको दिख नहीं रहा, ये स्क्रॉल बार आ चुका है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो इसकी हाइट मतलब जो विड्थ है इसकी, इसको मैं कर दूंगा थोड़ा छोटा, मतलब फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा, या फिर फॉन्ट साइज यानी कि पूरा पूरा ये स्क्रीन पे नहीं ले रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, क्योंकि टेक्स्ट हमारा रिस्पॉन्सिव नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, अब टेक्स्ट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए आपको मीडिया क्यूरी यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इतना सरल था ये बनाना, कि आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं शॉर्ट शॉर्ट तरीके से। तो आपको कौन सा अच्छा लगा, ये वाला या फिर ये वाला, आप जो भी मर्जी वो कर सकते हैं। और यहाँ पे भी आप एक सिंगल कलर भी लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, वो सब आपके ऊपर है। तो अब मैं बता रहा था क्या बैकग्राउंड कलर वो ब्लैक एंड वाइट करने वाला, तो ब्लैक एंड वाइट करने के लिए ये वाली प्रॉपर्टीज आपको मतलब ये जो ये वाला आपको चाहिए चाहिए, इससे काम नहीं होगा, ठीक है। और ये आप कंफ्यूज नहीं होना, ये वाला जो है ये पूरा का पूरा एक ही लाइन के अंदर लिखा गया है। पहले हमने लीनियर ग्रेडियंट लिखा, आपको पहले लीनियर ग्रेडियंट लिखना पड़ेगा, मतलब ये वाली प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी, फिर कॉमा लगा के इमेज देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं, मैंने आपको बस दिखाने के लिए एक के नीचे एक लिखा है, और ये देख सकते हैं आप यहाँ पे खत्म हो रहा है, ये यहाँ पे खत्म हो रहा है प्रॉपर्टी, यहाँ पे सेमी कॉलन लगा है, ठीक है। और जो दूसरे की बात कर रहा था उसके लिए आपको ये वाला चाहिए एब्सोल्यूट या बिफोर वाला, ठीक है। इसके लिए क्या करूँगा, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे काम कर रहा है, और मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ, ये वाली प्रॉपर्टी बंद कर रहा हूँ मैं सिर्फ, ना कि ये वाला पूरा इमेज है हमारा, ठीक है। तो ओवरले भी काम कर रहा है, तब देख सकते हैं मैंने ऐसा करा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 50% लिखा है ना मैंने, अब मैं इसको दूंगा यहाँ पे प्योर वाइट, ठीक है, प्योर वाइट दिया मैंने। और यहाँ पे मैं दूंगा ट्रांसपेरेंट, और ट्रांसपेरेंट आप देख सकते हैं ऐसा ले रहा है, हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पे मैं जाऊँगा और यहाँ पे मैं दूंगा 50%, देखते हैं क्या होता है। अब देख सकते हैं पूरा हाफ वे में डिवाइड हो चुका है, यानी आधा इधर आधा इधर, ठीक है, आधा इधर हो चुका है डिवाइड, यानी कि दोनों को मैंने 50% दे दिया। अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे करूँ, अब देख सकते हैं यहाँ पे 50% है, और ट्रांसपेरेंट में भी मैंने 50% दे दिया। तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं डायरेक्ट में, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एक प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड मतलब वो क्या था, वो मिक्स ब्लेंड मोड, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा, यहाँ पे लिखूँगा मिक्स ब्लेंड मोड। यहाँ पे बहुत सारे आपको दिख रहे हैं प्रॉपर्टीज, ओवरले, नॉर्मल, सेचुरेशन, स्क्रीन सॉफ्ट लाइन, तब ये सब चीज़ें ट्राई कर सकते हैं, अलग अलग कलर देके, यहाँ पे ब्लैक या ब्लू कुछ भी देके आप ट्राई कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। लेकिन जो सिंपल तरीका है ब्लैक एंड व्हाइट बनाने का, आप वाइट कलर दीजिए और यहाँ पे सेचुरेशन कर दीजिए, बस सेव करता हूँ, तब देख सकते हैं ये ब्लैक एंड व्हाइट बन चुका है, ठीक है। अगर यहाँ पे आप दूसरा कलर देके ट्राई करना चाहते हैं सेचुरेशन से क्या होता है, तो मैं करके देखता हूँ, जैसे कि मैं ब्लू देता हूँ, देख सकते हैं ये ब्लू कलर नहीं ले रहा सेचुरेशन में, सेचुरेशन का मतलब कुछ और होता है कि वो सेचुरेट कर देता है कलर को, ठीक है। तो हम वाइट कलर पे ये काम कर रहा है, और
शायद ब्लैक फील करेगा, ब्लैक देख के देख लो। यहाँ ब्लैक पे भी कर ही रहा है, ठीक है। तो व्हाइट और ब्लैक दे सकते हैं आप। ये सेचुरेशन का मतलब उनको, उन लोगों को ज़्यादा पता होगा जो फोटोज में काम करते हैं, ठीक है, फोटो मिक्सिंग में, लाइट रूम में, ठीक है। तो मैंने बस प्रॉपर्टीज ट्राई करता था मैं, तो मुझे ये वाला इफेक्ट मिला, तो मैंने आपको दिखाया, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि, और इसके ऊपर भी आप ओवरले लगा सकते हैं ताकि हमारा जो टेक्स्ट है वो आसानी से दिखे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि जो इफेक्ट है ये वाला मैं टेक्स्ट के ऊपर भी लाऊं, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। आप टेक्स्ट में भी लीनियर ग्रेडियंट कर सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट के ऊपर भी 2-10 से ज़्यादा कलर लगा सकते हैं, 2 से ज़्यादा कलर लगा सकते हैं, इस तरीके से आप ब्लैक एंड वाइट भी बना सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियोज़ आते रहेंगे। थैंक यू।